आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा फेशियल शेयर करने वाली हूँ जो कि इसकी 3 स्टेप है। 3 स्टेप में ही आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस फेशियल की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इस फेशियल को करने के लिए आपको कोई भी चीज बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, मार्केट से लाने की जरूरत नहीं है, सब आपके किचन में ही आसानी से आपको मिल जाएगा और इसका रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा जो कि आपकी स्किन को लाइट ब्राइट टाइट करेगा। विंटर के कारण आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, ड्राई हो जाती है, आपके चेहरे पर बिल्कुल भी ग्लो नहीं होता है, बिल्कुल भी शाइन नहीं होता है और विंटर के सीजन में आपकी स्किन काली पड़ने लगती है, धूप की वजह से टैनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल पड़ने लगती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा आज का जो ये पैक है। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, 100% नेचुरल है, आपकी स्किन को यूथफुल यंग ग्लास स्किन बनाएगा, आपकी स्किन को ये शीशे की तरह चमकाएगा। चलिए आइए देख लेते हैं इस फेशियल को आपको कैसे बनाना है, कैसे लगाना है। उससे पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। Hey guys, welcome back to my channel. मैं आपकी दोस्त कामना। कैसे हैं आप सब? आई हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज की जो मैं ब्यूटी टिप्स लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा असर करती है, 100% नेचुरल है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका होता है। वीडियो को स्टार्ट कर लेती हूँ, बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँगी इसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस फेशियल को करने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वो मैंने आपके सामने रख दी है। इतनी ही चीज़ों में आपका फेशियल बहुत ही अच्छा हो जाएगा और ये किचन में आसानी से आपको मिल जाती हैं। इस फेशियल को करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे पैक रेडी कर लेती हूँ, फेस पैक। यहाँ पे मैंने पैक बनाने के लिए 2 चम्मच पके हुए चावल लिए हुए हैं। चावल को अच्छे से इसका पेस्ट बनाना है, अच्छे से मैश कर लेंगे इसको। मैं यहाँ पे चम्मच की हेल्प से ही इसका पेस्ट बना लूँगी, अगर आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। चावल में एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन्स होता है, फोलिक एसिड होता है, हमारे स्किन से जुड़ी झाइयों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, डेड स्किन सेल्स के लेयर को बाहर निकालता है, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, स्किन की रंगत को ही निखारता है। तो चावल हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद हमें 2 चम्मच रॉ मिल्क लेना है, यानी कि कच्चा दूध हमें लेना है। कच्चा दूध में लैक्टिक एसिड होता है, साथ ही साथ इस ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है जो हमारे स्किन को सॉफ्ट बनाती है, मॉइस्चराइज करती है, हाइड्रेट करती है, नमी प्रदान करती है। अगर आपके पास रॉ मिल्क नहीं है, कच्चा दूध नहीं है, तो आप कोई भी दूध ले सकते हैं इसकी जगह। अब इसके बाद हमें 1 चम्मच हनी लेना है, यानी कि शहद। शहद हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, ड्राइनेस को दूर करता है, हीलिंग पावर देता है। हनी हमारे स्किन से रिंकल्स, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, इसमें एंटी ईचिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो हमें लंबे समय तक यूथफुल यंग बनाए रखता है। ये हमारे स्किन से पीएच लेवल को मेंटेन करता है, तो हनी हमारे स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब इसके बाद 1 से 1.5 चम्मच हमें यहाँ पर टमाटर का रस लेना है। टमाटर में इसमें सिट्रिक एसिड होता है जो कि हमारे स्किन से दाग धब्बे, कील, मुहासों को दूर करता है, साथ ही साथ हमारी स्किन से डेड स्किन सेल्स की लेयर को बाहर निकालता है, हमारी स्किन को ग्लोइंग और चमकदार बनाता है। अगर आपको टमाटर नहीं सूट करता है तो आप इसकी जगह 1 चम्मच नींबू के रस की ले सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे दूध थोड़ा कम पड़ रहा था तो मैंने दूध यहाँ पे 1 चम्मच और लिया है। अगर दूध आपको कम पड़े तो आप और भी ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हमें यहाँ पर एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है। ये पैक बनके हो चुका है पूरी तरह से रेडी। अब हम इसको रख देंगे साइड में। अब हमें इसके बाद क्या करना है, एलोवेरा जेल का कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैंने यहाँ पे फ्रेश एलोवेरा लिया हुआ है, प्लांट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। मैं एक प्लांट ले लूँगी और फिर उसको अच्छे से धुल लूँगी, अच्छे से साफ कर लूँगी। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे साइड से काट लेना है, जो इसके कांटे वाला भाग होता है उसको हमें काट लेना है और हम इसको काट लेंगे बीच से, जैसे कि मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ। आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, आपको इसको काटना है, हमें इसे बीच से काट लेना है, इसके 2 भाग कर लेने हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें लेना है चावल का आटा और मिल्क, यानी कि दूध आपको लेना है, चावल का आटा लेना है। ये जो पीसेस हैं इसके ऊपर हमें चावल का आटा डाल देना है और उसके बाद हमें यहाँ पर उसके ऊपर हमें थोड़ा सा मिल्क डालना है, यानी कि दूध डालना है। इसके बाद इसे लगाना कैसे वो मैं आपको बताने जा रही हूँ।
सबसे पहले क्लींजिंग कर लेनी है आपको, मिल्क से अपने फेस को अच्छे से साफ कर लेना है। उसके बाद जो हमने एलोवेरा ये बनाया हुआ है, उसके बाद हमें ये अपने पूरे फेस से इससे हमको मसाज करनी है। आपको इसके ऊपर दूध और चावल का आटा अच्छे से लगा लेना है, फिर उसके बाद अपने फेस पे पूरे फेस पे आपको मसाज करनी है। इसके दो फायदे होंगे, एक तो आपकी पूरे फेस की मसाज हो जाएगी, साथ ही साथ स्क्रबिंग भी हो जाएगी। 5 मिनट तक हम इससे अपने फेस पे स्क्रब करेंगे, उसके बाद इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। जब वो पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा फिर नॉर्मल पानी से अपने फेस को अच्छे से साफ कर लेंगे, धुल लेंगे। उसके बाद जो हमने फेस पैक बना के रेडी किया हुआ था, पहले उसे अपने पूरे फेस में आपको लगा लेना है 15 से 20 मिनट के लिए। जब वो पूरी तरह से ड्राई हो जाए फिर आपको नॉर्मल पानी से अपने फेस को अच्छे से धुल लेना है, अच्छे से साफ कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो थर्ड स्टेप है, जो लास्ट स्टेप है, आपको क्या करना है, एलोवेरा जेल लेना है। एलोवेरा जेल लेना है, आप प्लांट भी ले सकते हो, मार्केट वाला भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो वो ले लीजिए। उसके बाद हमें इसमें जैतून का तेल ऐड कर लीजिए या फिर आप बादाम का तेल इसमें ऐड कर लीजिए। दोनों में से किसी एक ऑयल को लेना है आपको, या जैतून का ले लीजिए या बादाम का तेल ले लीजिए। 4 से 5 ड्रॉप आप इसमें मिक्स करके अपने पूरे फेस पे लगा लें। उसके बाद आप 1 से 2 घंटे अपने फेस पे लगा रहने दें। अगर आप ये फेशियल नाइट में कर रहे हैं तो ओवरनाइट के लिए इसे छोड़ सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको इस फेशियल का रिजल्ट देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा है ये। आपकी स्किन को लाइट, ब्राइट, ग्लोइंग, स्मूथ, सॉफ्ट बनाएगा, हाइड्रेट करें, मॉइस्चराइज करेगा, काफ़ी अच्छा फेशियल है। आप लोग जरूर ट्राई करें, विंटर के लिए बेस्ट फेशियल है। और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरी वीडियो भी स्ट्राइक करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।